हाय डियर फ्रेंड, 21 जनवरी का डेली करंट अफेयर का आज पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए डेली करंट अफेयर्स आएगा ये 21 जनवरी 2019 का है। डेली करंट अफेयर्स आपके पास पहुंचेंगे तो आप डेली बेसिस पे देखते जाइए ताकि आपका करंट अफेयर्स भी बेटर रहे, जो जनरल अवेयरनेस के लिए बेटर रहेगा। तो पहला देख लेते हैं क्वेश्चन, हु वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट सेक साउथ इंटरनेशनल प्राइज ऑफ मटेरियल, प्राइज फॉर मटेरियल्स, मटेरियल्स के लिए जो इंटरनेशनल फर्स्ट सेक साउट किया गया था इंटरनेशनल प्राइज पे, तो वो क्या है? सी एन आर राव, के सिवान, सतीश धवन, ए एस किरण कुमार। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है सी एन आर राव। ठीक है, एमिनेंट साइंटिस्ट एंड रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न सी एन आर राव वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट सेक साउथ इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल रिसर्च बाय द सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियंस ओवर 65 एंड अंडर 15 ईयर्स कैन नाउ यूज आधार कार्ड टू विजिट विच कंट्री, कौन कौन से कंट्री को विजिट कर सकता है, किसके? इंडियंस ओवर 65 और अंडर 15 ईयर्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो नेपाल विजिट कर सकता है, इंडियंस के लिए कहा गया है। ठीक है, अगर 65 से ज़्यादा है और 15 साल से कम है तो अपना आधार कार्ड लेके वो विजिट कर सकता है नेपाल। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑन January 20, 2019 अनाउंस डैट आधार कार्ड्स आर नाउ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियंस अंडर 15 एंड ओवर 65 ईयर्स ट्रेवलिंग टू नेपाल एंड भूटान। भूटान इज ऑल्सो, हाँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन में भूटान नहीं दिया था तो भूटान में भी कर सकते हैं। हाउएवर इंडियंस बिलोंगिंग टू द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 65 ईयर्स विल नॉट बी एबल टू यूज आधार टू ट्रेवल टू द टू नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द 15th एडिशन ऑफ द परवरिश भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी बिगेन एट विच सिटी। प्रवासी भारतीय दिवस 15th एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस, बिगेन एट विच सिटी, कौन से? तो वाराणसी में। ठीक है, द 15th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस बिगेन एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश ऑन January 21, 2019 गिविंग ए चांस टू द इंडियन डायस्पोरा टू पार्टिसिपेट इन द ऑन गोइंग कुंभ मेला। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस द इवेंट इज बींग हेल्ड इन वाराणसी द कल्चर एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन विच सिटी, इनोग्रेट किए थे नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा इन विच सिटी, किस सिटी में किए थे? तो मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा NMIC इन मुंबई ऑन द January 19, 2019 द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूजियम वॉज गाइडेड बाय द म्यूजियम एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय श्याम बेनेगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट अनाउंस सौर्य अवार्ड फॉर स्टूडेंट के लिए, कौन से स्टेट ने अनाउंस किए? तो वो है हरियाणा, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ये भी याद रखना कि हरियाणा के अभी जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, BJP के नेता हैं। अनाउंस ए सौर्य अवार्ड फॉर स्टूडेंट इन द नेम ऑफ 71 मार्टायर्स ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स हु लेट डाउन देयर लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वाइल प्रोटेक्टिंग सोसाइटी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट इंडिया इज लाइकली टू सरपास विच नेशन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक रैंकिंग, फ्रांस, चाइना, UK, जापान। तो UK इज द राइट आंसर। According to PwC report, India is likely to surpass which nation in the world largest economic ranking? तो UK है। India is likely to surpass the United Kingdom in the world largest economic ranking in 2019, as per a report by global consultancy firm PwC, as per PwC's Global Economic Watch report.
while the UK and France have regularly switched places owing to similar levels of development and equal population, India's climb up the rankings is likely to be permanent. Next question dekhte hain, question number 7. Which city will be hosting the annual meet of the 2019 World Economic Forum? To kaun hosting kar raha hai 2019 World Economic Forum? Davos, Bern, Berlin, Geneva. To Davos is the right answer. The World Economic Forum WEF annual meet will begin in Davos on January 22, 2019. World leaders from across the globe will flock to the SKI resort town on the Swiss Alps for 5 days to discuss what's ailing the world amid fears of the globe economic sleepwalking into a crisis. ठीक है, next question देख लेते हैं. question number 8. Which city has been named as the first world capital of architecture for 2020 by UNESCO? ठीक है, तो कौन सी सिटी है? पेरिस, जिनेवा, टोक्यो, रियो दे जेनेरियो. तो रियो दे जेनेरियो इज द राइट आंसर. यहाँ पे अभी फिलहाल जो लास्ट ओलंपिक हुआ था रियो दे जेनेरियो में. ठीक है, यूनेस्को वॉज नेम द ब्राजील सिटी ऑफ रियो दे जेनेरियो एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020. Rio will be the first city to receive the title under a program launched together by UNESCO and the International Union of Architects in November 2018. Next question, question number 9. Defense Minister Nirmala Sitharaman launched Indian second defense industrial corridor in which state? So, hai Tamil Nadu. Defense Minister Nirmala Sitharaman has inaugurated the Tamil Nadu Defense Industrial Corridor from Tiruchirappalli, taking a major step forward to boost indigenous production of defense equipment. The corridor is the second defense corridor being set up by the government to support various defense manufacturing units. Question number 9 tha, theek hai. Next question dekh lete hain, question number 10. Which state would be hosting the second World Integrated Medicine Forum 2019? Second World Integrated Medicine Forum 2019, so that is Goa. The second World Integrated Medicine Forum 2019 on the regulation of homeopathic medical product will be held in Goa from January 23, 2019. 20 countries will be participate in the event. This forum will strengthen regulatory framework worldwide to assure that the user of homeopathic could have wider access to quality assured homeopathic medicines. तो इस तरीके से आप regular basis पे current affair देखते जाइए कि ताकि आपका current affairs जो general awareness का part है वो आपका better हो सके. ठीक है, तो ये एक एक line में देखिए, इसके बारे में जो भी मैं discussion दे रहा हूँ वो आप अपने notebook में लिखते जाइए कि ताकि आपके पास current affair का जब से notification आया है और उसके जब पेपर आ रहे हैं तब तक के जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे. तो रेगुलर बेसिस पे ये देखते जाइए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.